नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यहां सियासी पारा बढ़ गया है। इस बीच सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की विचारधारा को पाकिस्तानी बताया है। साथ ही साथ कन्नौज सीट पर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसी स्थिति बताई है और उन्होंने दावा किया है कि इस मुकाबले में भारत ही जीतने वाला है। सुब्रत पाठक ने कहा कि तेज प्रताप सिंह यादव यहां से लड़ते तो मैच नेपाल और भारत जैसा होता। अब अखिलेश यादव आ रहे हैं तो मैच हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह होगा और जीतेगा तो भारत ही। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब हम किसी देश की बात नहीं करते। पाकिस्तान का मतलब है आतंकवादी। पाकिस्तान का मतलब भ्रष्टाचार। पाकिस्तान का मतलब हत्यारा। पाकिस्तान का मतलब लुटेरा। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार से पाकिस्तान में 75 वर्षों से हिंदुओं की आबादी समाप्त कर दी गई, 14-15 साल की बच्चियों का निकाह 70 साल के लोगों से कराकर उन पर अत्याचार किया गया, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो हम देखते नहीं हैं क्या? इस प्रकार की कितनी घटनाएं होती रहती हैं, इस प्रकार इनकी प्रवृत्ति भी पता चलती है। सुब्रत पाठक ने मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए कहा कि विशेष समुदाय के माफिया के घर पर जाना आतंकवाद को बढ़ावा देना है। अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो एक मुख्तार मरा है और ना जाने कितने मुख्तार निकलेंगे। ये उनको पैदा करेंगे और उनके ऊपर हाथ रखेंगे। यही तो अभी तक किया है। कैसे मुख्तार पैदा हो गया, क्यों अतीक पैदा हो गया? पैदा इन्हीं के कारण से हुआ है, इन्हीं के संरक्षण में हुआ है। पाठक ने आगे कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है, जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश की थी। इनके समय में किस प्रकार से दंगे होते थे। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर संरक्षित किया जाता था। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें विदाई देने का काम करेगी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। बीजेपी ने सपा के गढ़ को ढा दिया था। इस बार सपा कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे थे कि अखिलेश यादव ही कन्नौज सीट से चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी ने अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दे दिया। इसके बाद कन्नौज में पार्टी के अंदर निराशा का माहौल था। इसको भांपते हुए अखिलेश यादव ने डैमेज कंट्रोल किया और खुद चुनावी अखाड़े में उतर गए। सपा प्रमुख के चुनाव लड़ने से कन्नौज में सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। नहीं देखिए, चैलेंज नहीं था। देखो लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्योहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता। बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहां पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। चैलेंज नहीं था। देखो लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्योहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता। बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहां पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।